हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए प्याज के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आप कह सकते हैं प्याज के भजिए। तो बरसात में प्याज के पकौड़ों को खाने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए ये कितने क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं। मैंने इसे शाम के नाश्ते में बनाया है, तो आप भी ज़रूर बनाइए और मानसून का मज़ा लीजिए। मैं इसे शाम के नाश्ते में चाय के साथ सर्व कर रही हूँ, तो आप इसे बनाइए और मज़े से खाइए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हरी चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। अब मैं इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल रही हूँ। एक चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे। आधी चम्मच मैं यहाँ नमक ऐड करूँगी। और 2 से 3 हरी मिर्चें डालूँगी। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चलिए हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए हमारी चटनी तैयार हो गई है। चलिए अब हम पकौड़े बनाते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। इसे इस तरह लंबाई में मैंने काट लिया है। अब हम हाथों से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये देखिए ये मैश हो रहे हैं। मैश होने से ये अलग अलग हो जाएंगे। ये मैश हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मैं यहाँ ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच मैंने अदरक डाला है जिसे मैंने क्रश कर लिया था, 1/2 चम्मच करी पत्ता। करी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे आप ज़रूर डालिए। 1 चम्मच ग्रीन चिली जिसे मैंने बारीक काट लिया था वो भी ऐड कर दिया मैंने। आधी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन, दो चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ सूजी, ताकि हमारे पकौड़े क्रिस्पी बन सकें। आप सूजी की जगह पर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो अभी मैं 2 बड़े चम्मच बेसन इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए ये मिक्स हो गया है और हमारे पकोड़ों का मिक्सचर
बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। देखिए मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है और तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सरसों के तेल में पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो तेल बिल्कुल गर्म है, अब हम हाथों से पकौड़े डालेंगे। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पकौड़े डालते जाएंगे जितने हमारे पैन में आ जाएं अभी। बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का मज़ा अलग ही होता है। शाम के नाश्ते में अगर हमें पकौड़े मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो आप ज़रूर बनाइए। यहाँ पे फ्लेम मैंने लो कर दिया है क्योंकि हमारा तेल बिल्कुल गर्म है और हमारे पकौड़े भी फिर अच्छी तरह से अंदर से पक जाएंगे। तो एक तरफ से हमारे पकौड़े पक चुके हैं और देखिए बिल्कुल करारे हो चुके हैं। अब हम इसे पलट रहे हैं, तो इन्हें हम पलट देंगे और फ्लेम को हम थोड़े मीडियम पे कर देंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम टेस्टी। तो देखिए पकौड़े बिल्कुल करारे हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। एक टिश्यू पे मैंने इसे निकाल लिया ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। इसी तरह हम बाकी के पकौड़े भी बना लेंगे। तो मैंने गैस को लो फ्लेम पे रखा है और इस तरह से सारे पकौड़े डाल देंगे। तो ये भी रेडी हो चुके हैं, देखिए अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारे प्याज के भजिए या प्याज के पकौड़े आप जो चाहे बोल सकते हैं वो बनकर बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल क्रिस्पी वाले। मैं इसे सर्व कर रही हूँ हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ। तो देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आया ना दोस्तों मुंह में पानी, देखिए ये क्रिस्पी वाले टेस्टी पकौड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। मैंने इसे सर्व कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।